नटखट संस्था के द्वारा वैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया। आपने ऐसी कई संस्थाएं देखी होंगी जहां बच्चों से लेकर महिलाएं और सीनियर सिटीजन के लिए प्रतियोगिता रखी जाती है। ऐसी ही लोगों के बीच अपनी एक नई और अनोखी पहचान बना रही है दिल्ली की नटखट नामक संस्था, जिसका उद्देश्य न सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ाना है बल्कि घर बैठी महिलाओं को भी भरपूर आनंद और मनोरंजन देना है। हाल में ही नटखट ग्रुप ने रिलायंस के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी के रिलायंस मॉल में वैसाखी महोत्सव का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। कंचन रावत। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे आके? मजा आ रहा है आप लोगों को? यस यस। परफॉर्मेंस हो गई आपकी की होनी है अभी? हो गई है, फिर से एक बार और। अभी फिर से एक और होगी? मेरी भी हुई है अभी। अच्छा, आपकी अभी होनी है? अच्छा, तो कौन से गाने पे डांस कर? मैं फैंसी ड्रेस पे कर। फैंसी ड्रेस है? और आपका? मैं हरियाणवी गाने पे करूँ। अच्छा, अभी करूँगी आप? अच्छा, तो गढ़वाली गाने पे भी करूँ। अच्छा, तो कितनी परफॉर्मेंस हुई है टोटल आपकी? अभी मैंने दो करे थे, फिर मैं अभी दो और करूँगी। अच्छा, तो डांस करना पसंद है इसलिए यहाँ पे आए हो या नटखट ग्रुप के साथ पहले से जुड़े हो? मेरे को डांस करना पसंद है इसलिए मैं आई इसलिए आए हो। अच्छा, तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? जब आपको यहाँ डांस करने का चांस मिला सबके सामने, कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है, बेटर। अच्छी फीलिंग आ रही है। और आपको कैसा लग रहा है? सारे यहाँ पे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे ऐसे स्टेज परफॉर्मेंसेस करना चाहते हो? यस। हाँ, यस। थैंक यू। मैम, फैशन शो के आप यहाँ पे जजेस के रूप में आए हैं, कैसे देख रहे हैं? जैसे यंग टैलेंट जो है, यंग जो जनरेशन है, वो फैशन को लेकर काफी एक्साइटेड रहती है, और यहाँ पे जो नए बच्चे हैं बहुत छोटी एज के हैं, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? एक्साइटेड लग रहे हैं? यस, आई एम एक्साइटेड। और बहुत अच्छा लगता है जब यंग जनरेशन अपने बारे में सोच रहा है, फैशन के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं ये उनकी डेवलपमेंट और साथ साथ में हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट, और बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे आगे आए। बेशक। तो अभी आप इस इवेंट को कैसे देख रहे हैं मैम? जब ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, यंग टैलेंट को मौका मिलता है आगे आने का, स्टेज पर अपनी स्किल्स प्रेजेंट करने का, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक समय ऐसा था जबकि टैलेंट घर में बैठता था और ऐसा स्टेज कोई होता ही नहीं था, लेकिन आज आप ये लगा लीजिए हर 200, 400, 500 मीटर में ऐसे लोग हैं, रोमा जी जैसे लोग जो कि नटखट की प्रेसिडेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और यंग जनरेशन को ये मौका देते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो वहाँ पर जाएं और शोकेस करें, वो डांस हो, फैशन शो हो, वो ड्रामा हो, व्हाटएवर इट इज़। तो ये बहुत हेल्प करता है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। मैम, आपने रोमा जी की बात करी, नटखट ग्रुप की बात करी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप जुड़े कैसे इस ग्रुप से, कैसे आपको पता चला कि नटखट ये लोग कार्यक्रम तो करते ही रहते हैं? यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरि प्रकाश पांडे जी, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उनके थ्रू ही मैं रोमा जी से मिली और उनके कार्यक्रम में एक दो बार मैंने शिरकत की है और पाया है कि वो बेहतरीन काम कर रही हैं, और मैं उनको और उनके ग्रुप को ये शुभकामना देती हूँ कि आगे भी ऐसा ही काम करते रहें और समाज को उच्चतर स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। थैंक यू। मैं नटखट ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज हमारा रिलायंस में प्रोग्राम है। हमेशा ही हमारा नटखट ग्रुप, आपको आप जानते हो कि प्रोग्राम देता आया है। हम हमेशा ही कोई बैंकेट हॉल या हमें नहीं लगता हमने कोई टेंट हाउस छोड़ा है, होटल्स छोड़े हैं तकीला में या विकासपुरी में, तो ऑलमोस्ट हम हर जगह अपना प्रोग्राम कर चुके हैं। पहली बार था कि हमारा प्रोग्राम यहाँ रिलायंस में हो रहा है। अभी तक विकासपुरी में किसी भी NGO या किसी भी कोई भी संस्था ने अभी तक यहाँ कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं किया है। हम लोगों ने ही पहली बार ये शुरुआत की है और आप देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या है मकसद? नटखट ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है एंटरटेनमेंट, इंजॉय कराता है। कोई पेड नहीं है, कोई अभी भी आप देख रहे हो कि फ्री एंट्री है, जब से आप आए हो आप खुद देख रहे हो कि कितना इंजॉय कर रहे हैं सब। तो हमारा सिर्फ मकसद है, क्योंकि मेरा सलून है, मैं ओनर सलून की, और जो रोमा है हमारी जो इसकी प्रेजिडेंट हैं वो खुद अपना बिजनेस कर रही हैं। तो हमने ये सिर्फ एक शौक में और एक मतलब एक खुशी के लिए कि हम साइड बाय साइड क्या करें जिससे हमें भी खुशी मिले। हम किटीज आते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन हमें मतलब लगता था कि नहीं हम इससे कुछ अच्छा करें, सोशल रहें, तो हमने ट्रस्ट भी किया। अब हम कई पार्टीज में भी जुड़ गए हैं, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट हम दे रहे हैं, हम देते रहेंगे, ये आप खुद ही देख सकते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं इतना, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना आता नहीं है, मुझे बस इतना ही। अगले 5 सालों में कहाँ देखती है? हमें यही नहीं पता, मैंने आपको बताया ना कि ये हमने बहुत हंसी में शुरू किया था, मजाक में हम किटीज ऐसे ही शुरू करते थे कि मतलब किटियाँ डालनी, गए पार्टीज कर ली, तो हमने मजाक मजाक में तीज का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम दिया था। वो हमारा सिर्फ 30 या 35 लेडीज़ का ग्रुप का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे संभालना मुश्किल हो गया, वहाँ 250-300 लेडीज़ वहाँ फर्स्ट प्रोग्राम में हमारे आए। अभी हमने कुछ दिन पहले करवा चौथ का प्रोग्राम दिया, हमने सोचा 250 लोगों का प्रोग्राम होगा, 250 गैदरिंग होगी, 250 लेडीज़ होगी, कहाँ लेडीज़ को टाइम है, आप सोच सकते हो 700 लेडीज़ थी, मतलब खाना कम पड़ गया था, ऑडियंस इतनी थी, इतना मतलब क्राउड था। तो मुझे लगता है कि जो हाउसवाइफ हैं इनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका मिल रहा है और हर लेडीज़ आगे बढ़ रही है। छोटे छोटे बिजनेस हैं, अभी इस बार हमारे स्टॉल्स नहीं लगे क्योंकि रिलायंस ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे अपनी खुद की शॉपिंग मॉल्स है, सब कुछ है। तो हमेशा आप जब भी देखोगे तो रिलायंस ना हमें, मतलब हमारा जो नटकट ग्रुप है, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाता है लेडीज़ के लिए। तो जो लेडीज़ घर में अपना अर्न करनी है, उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें, इन चीज़ों की भी हेल्प लेडीज़ को। अभी आपने देखा होगा बच्चे कितने आए, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, उनको भी देखो आगे मौका मिलेगा। तो 5 सालों में आगे क्या, ये जो इवेंट है, ये बेसिकली जो भारत है ये त्योहारों का देश है। भारत में त्योहार हर हफ्ते हर महीने कुछ न कुछ त्यौहार होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, करवा चौथ हो, भैया दूज हो, अपना तीज का व्रत हो, इसी तरह ये बैसाखी है। और इसके पहले अभी नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों का समापन हुआ है और बैसाखी आ रही है। तो बैसाखी जो है ये खुशहाली का प्रतीक है। तो जो रिलायंस मॉल में एक्टिविटी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जितने भी रिलायंस के कस्टमर हैं, आने वाले लोग हैं, उनको एक बेहतर मनोरंजन भी दिया जा सके। और भारत की संस्कृति को बताने के लिए, जिसमें हम बैसाखी का थीम रखा है, बैसाखी फेस्टिवल मना रहे हैं, इसमें हमने उसी थीम के आधार पर एक फैशन शो, डांस, कवि सम्मेलन और बच्चों की परफॉर्मेंस रखी हुई थी, जो कि समाज में एक मैसेज दिया जा रहा है कि भारत जो त्योहारों का देश है वो सांस्कृतिक विरासत भी संभालता है। तो सांस्कृतिक विरासत को बताने के लिए ये जो रिलायंस का सहयोग है, रिलायंस का कदम है, इस कदम में नटखट ग्रुप अपना जो है साथ दे करके इस जो काम किया जा रहा है, इस काम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो सर, जिस तरह आपने बोला कि रिलायंस का आपको साथ मिल रहा है यंग टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे नटखट ग्रुप कैसे देखता है कि कैसे आगे आने वाले दिनों में यंग टैलेंट को आगे प्रोत्साहित किया जाए? नटखट ग्रुप जो है उसकी एक टैग लाइन है, ख्वाहिश जिंदगी की, मतलब ये हमारी जो जिंदगी है ये छोटी है, इसे हमें पल पल जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, हंसी खुशी के माहौल में जीना चाहिए। उसी माहौल को आगे बढ़ाने के लिए जो नटखट संस्था है, युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, यंगस्टर, हमारा यूथ क्लब भी है, नटखट यूथ क्लब भी है, जो युवाओं में ऐसा नहीं केवल मनोरंजन ही उपलब्ध कराता है, उनको ट्रेनिंग्स भी देता है, चाहे वो रोजगार पर ट्रेनिंग हो, चाहे वो शिक्षा के प्रति समर्पण हो, चाहे वो जो है अपना जलवायु के ऊपर हो, जल वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हो। तो जो सामाजिक गतिविधियाँ भी नटखट ग्रुप करता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और जो अपना लिटरेचर है, हर चीज़ को लेकर के नटखट ग्रुप युवाओं में एक उत्साह भरने का काम हमेशा से करता आ रहा है और आगे भी ये गतिविधि चलेगी। हम रिलायंस के साथ आने वाले योग दिवस पे लगभग 500 लोगों के साथ में यहाँ पे एक योग दिवस मनाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, जो मोदी जी का लक्ष्य है। और हमारे देश की ही बदौलत जो नेशनल इंटरनेशनल योगा डे बना है, 21 जून को जो दिन मिल पाया है, वो हमारे देश, हमारा देश ही उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे विश्व में। जी सर, आगे आप कैसे?